नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है कि जातक देवदूत है या राक्षस प्रवृत्ति का। इसको देखने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए आइए चलते हैं हृदय रेखा पर। तो ये आपकी हृदय रेखा, जो निकल रही है लगभग शनि और गुरु पर्वत के मध्य से। यदि किसी जातक की हृदय रेखा शनि और गुरु पर्वत के मध्य से निकलती है तो ऐसा जातक देवतुल्य होता है, देवदूत। बहुत ईमानदार, बहुत ही विश्वसनीय, हमेशा दूसरों की सहायता करने को तैयार। जब भी आप पर कोई मुसीबत है वो आएगा, आपकी मदद अवश्य करेगा। इतना ईमानदार कि किसी के अगर 10 रुपये भी देने हों तो उसके घर जाकर वापस लौटा कर आएगा। बहुत ही विश्वसनीय है। यदि आपने उसके साथ कोई बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर कर लिया तो ताज़िंदगी वो सीक्रेट उसके सीने में दफन रहेगा, वो किसी को नहीं बताएगा। इतनी विश्वसनीय आदमी होते हैं, बड़े ही उदार, बड़े ही परोपकारी, सेवाभावी, सबकी सहायता करने को तैयार। लेकिन ऐसे जातकों की मासूमियत को मिसयूज़ किया जाता है, ऐसे लोगों का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन ये लोग कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, सब जानते हुए कि लोग उनको धोखा दे रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तब भी वे अपने रास्ते से विचलित नहीं होते, अपना स्वभाव बनाए रखते हैं। तो यदि आपकी हृदय रेखा गुरु और शनि पर्वत के मध्य से निकल रही है तो आप देवदूत। यदि आपकी हृदय रेखा थोड़ा और नीचे से निकल रही हो, शनि पर्वत के नीचे से, तो आप राक्षस, नीच, लालची, स्वार्थी। भावुकता तो आपके अंदर हो ही नहीं सकती। परिवार, रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त, वह किसी को कोई भाव नहीं देता। यदि उसका मतलब हल हो रहा है तो आपसे दुआ सलाम करेगा, नहीं तो आपको पास नहीं पटकने देगा। वो ऐसे जातक महालालची, महास्वार्थी, महा मतलब भी होते हैं। सुबह आंख खुलती है ना तो पहला ही दिमाग में विचार आता है पैसा कैसे कमाना है। बड़े मनी सेंट्रिक होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मनी इज नेक्स्ट टू गॉड। दूसरी बात कि स्वार्थी लालची तो होते ही हैं, खासकर धन के प्रति, साथ में बड़े कामुक भी होते हैं। दिमाग में हमेशा 24 घंटे अश्लीलता घूमती रहती है और अपनी काम पिपासा को शांत करने के लिए वो किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए पत्नी उनकी शारीरिक प्यास को शांत करने का एक टूल भर होती है, उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते। ऐसे जातक
कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं, आक्रामक भी हो सकते हैं, वो हाथ पैर भी चला सकते हैं। कुल मिलाकर यदि आपकी हृदय रेखा शनि पर्वत से शुरू हो रही है तो आप राक्षस, यदि आपकी हृदय रेखा गुरु और शनि के मध्य शुरू हो रही है तो आप देवदूत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।